महाड़ से आया था। महाड़ यानी रायगढ़ जिले में एक तहसील है, वहाँ से मैं आया था। मैं तो उस समय रहता था डोंबिवली में, थाना डिस्ट्रिक्ट में जो है वो, और पोदार कॉलेज माटुंगा में बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था। तो ऐसे ही एक दिन मैं बैठा था लाइब्रेरी में, किताबों के साथ साथ मेरे साथ में ऑर्गेनाइज़र या पांच जन कोई पाक्षिक मेरे हाथ में था। मदन जी उसी समय उनके चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करने हेतु आते थे पोदार के लाइब्रेरी में। तो उन्होंने देखा था जाते जाते कि मेरे हाथ में पांच जन है, तो उनको तुरंत ये लगा कि कोई अपने ग्रुप में है, कोई संघ के संबंध में होगा, ऐसा सोच के वो बाजू में बैठ गए। और उस समय ये विवेकानंद केंद्र का धन संग्रह चल रहा था, तो उन्होंने बातों बातों में मुझे वो क्या है, कैसा है, क्या चल रहा है, देश भर में कैसा चल रहा है, धन संग्रह की और विवेकानंद केंद्र की कल्पना क्या है, इसके बारे में जानकारी देने के बाद बोला कि हर एक ने अपने अपने जो संभावना हो सकती है जितना हम कर सकते हैं उतना योगदान आर्थिक दृष्टि से भी करना, ये वो मुझे बता रहे थे। और इसलिए उन्होंने उनके पास जो कुछ धन संग्रह की व्यवस्था थी कूपन था वो निकाला। मैंने बोला तो ये तो मैं मेरे गांव में मैं कर रहा हूँ, तो तब उनको तुरंत पता चला कि इसका मतलब मैं किसी न किसी शाखा से जुड़ा हूँ। तो बोले तो और नज़दीकी बढ़ गई, और ये एक कारण हो गया कि हमारा पहला परिचय हो गया। ये 67 या 68 की बात है, तब से अपने मित्र बन गए, और तभी से सभी मित्रों के साथ ये मित्र भी हमारे जुड़ गए।